बाग 20 सीरीज स्मार्टफोन्स। दिल्ली की विवादास्पद आबकारी नीति मामले में फंसी टीआरएस यानी अब कहें तो बीआरएस भारत राष्ट्र समिति की नेता और तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री केसीआर की बेटी के कविता, उसे राउज एवेन्यू कोर्ट ने 9 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया, यानी 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में के कविता को भेजा गया है। उनकी जमानत याचिका पर यानी अंतरिम जमानत याचिका पर कोर्ट 1 अप्रैल को सुनवाई करने जा रहा है। आज इस मामले में जब सुनवाई हुई तो के कविता की तरफ से ये कहा गया कि उन्हें अंतरिम जमानत दे दी जाए, अगर पूरी जमानत नहीं दी जा रही है क्योंकि उनके नाबालिग बेटे का इम्तिहान है और उस इम्तिहान में उनकी सख्त जरूरत है। इसके साथ ही के कविता ने बीच में मीडिया से बातचीत करते हुए ये भी कहा कि ये मनी लॉन्ड्रिंग का नहीं बल्कि ये पॉलिटिकल लॉन्ड्रिंग का मामला है, क्योंकि जिन लोगों ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है वो लोग इस मामले से संबंधित रहते हुए उन्हें टिकट दिए जा रहे हैं, कई लोगों ने चंदा दिया है जिसका फायदा उन्हें मिला है। इसके साथ ही कोर्ट ने ईडी ने ये कहा कि वो पहले ही के कविता की जमानत का विरोध कर चुके हैं। पिछली सुनवाई में उन्होंने कहा था कि इस मोड़ पर जिस चरण पर ये जांच का काम चल रहा है वैसे में इनको जमानत दिए जाने से जांच पर असर पड़ेगा, अब्रप्ट यानी उल्टा असर पड़ेगा। साथ ही ये भी कहा कि आम जो अपराध होते हैं उससे पीएमएलए के तहत या आर्थिक अपराधों की जांच बहुत पेचीदा होती है, बहुत क्लिष्ट होती है, लिहाजा इसमें समय तो लगता है। कोर्ट में ईडी की तरफ से यह भी कहा गया कि इन्होंने अंतरिम जमानत की याचिका दायर की है, इस पर हमें जवाब देने के लिए समय चाहिए। कोर्ट ने पूछा आपको कितना समय चाहिए, ईडी ने कहा कम से कम 1 हफ्ते, इसके बाद 1 अप्रैल को इनकी जमानत अर्जी पर सुनवाई होगी जो अंतरिम जमानत के लिए इन्होंने दाखिल की है। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा है कि 9 अप्रैल को इनकी न्यायिक हिरासत की अवधि समाप्त होने के बाद इन्हें फिर पेश किया जाएगा। इस बीच के कविता ने यह भी कहा कि हिरासत के दौरान यानी न्यायिक हिरासत में जेल में रहने के दौरान उन्हें घर का खाना मुहैया कराने की इजाजत दी जाए, इस पर भी कोर्ट निर्णय ले रहा है। और इसके साथ ही अब यह तय हो गया है कि के कविता अगले 14 दिनों तक तिहाड़ जेल में ही रहेंगी, उनकी न्यायिक हिरासत 9 अप्रैल तक चलेगी। 9 अप्रैल को उसके बाद फिर अदालत यह तय करेगी कि न्यायिक हिरासत को बढ़ाया जाए या उससे पहले उनकी अंतरिम जमानत को लेकर अदालत का निर्णय आ सकता है। कैमरामैन प्रेमचंद मिश्रा के साथ संजय शर्मा, दिल्ली।